नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबर सामने आ रही है, देश के कई राज्य में मौसम की मार देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करवा दें, देश के कई राज्य में मौसम की मार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यूपी के 18 जिलों में 1370 गांव बाढ़ से प्रभावित है। बड़ी जानकारी दे दें कि देश में मौसम की मार देखने को मिल रही है। यूपी की बात कर ले तो 18 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोग हैं। असम के धेमाजी में भी सैलाब से तबाही मची हुई है और असम के कई हिस्सों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, देश के कई राज्य में मौसम की मार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। असम के धेमाजी में भी सैलाब से तबाही मची हुई है। असम के कई हिस्सों में बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं। देश के कई राज्य में मौसम की मार से लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो यूपी से सामने आ रही है। यूपी में बारिश के साथ ही बाढ़ भी बनी है जानलेवा। बड़ी जानकारी बता दें, बाराबंकी में 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज दौरा है और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अलग अलग जिलों में बाढ़ से मचा है हाहाकार। यूपी में बारिश के साथ ही बाढ़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इलाकों में प्रभावित हो गया है, जिसके चलते ही लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें, दिल्ली की सड़कों पर उतरी नई 50 बसें। बड़ी जानकारी सामने आ रही है सीएम केजरीवाल को लेकर बड़ी जानकारी सामने है। दिल्ली की सड़कों पर 50 नई बसें उतर गई हैं और इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई है। बड़ी जानकारी दे दें, बड़े स्तर पर 50 नई बसें जोड़ी गई है, ऐसा सीएम केजरीवाल कह रहे हैं। पूरी दिल्ली में 360 बस रूट है, केजरीवाल ने कहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई है। चलिए एक और बड़ी खबर बता दें गुजरात से, जहां पर गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी ने भरी हुंकार भर दी है। बीजेपी ने आज से शुरू होगी गौरव यात्रा। बड़ी जानकारी दे दें, गुजरात से बीजेपी का मुख्य फोकस आदिवासी लोगों पर रहेगा। बड़ी जानकारी दे दें, गुजरात में चुनाव से पहले जो हुंकार भरी गई है चुनाव को लेकर, आज से शुरू होगी गौरव यात्रा। बीजेपी का मुख्य फोकस आदिवासी इलाकों पर रहेगा और बीजेपी निकालेगी 5 गुजरात गौरव यात्रा। बड़ी जानकारी दे दे, चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो गई है। विपक्ष भी लगातार तैयारियों में लगा है, वही गुजरात में अब चुनाव को लेकर ही बीजेपी ने हुंकार भरते हुए नजर आ रही है और आज से शुरू होने जा रही है गौरव यात्रा। बीजेपी का मुख्य फोकस आदिवासी इलाकों पर रहने वाला है। बीजेपी निकालने जा रही है 5 गुजरात गौरव यात्रा। बड़ी जानकारी दे दें, गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी ने हुंकार भरती हुई नजर आ रही है और गुजरात में ही गौरव यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी का मुख्य फोकस जो रहेगा आदिवासी इलाकों पर रहने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।